आज हम बनाएंगे तिल गुड़ रेवड़ी रेसिपी। रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो रेसिपी को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं तिल गुड़ रेवड़ी रेसिपी। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू खाना खजाना सुषमा। मैं हूँ आपके साथ सुषमा चौधरी। सबसे पहले हम तिल को रोस्ट करेंगे। ये हमने 1 कप भर के तिल ले लिया है। तिल को हमें हल्का सा रोस्ट करना है 2 मिनट के लिए। अब ये देखिए आप, तिल हल्का सा हमारा रोस्ट हो गया है। गैस को बंद कर देते हैं, इसे साइड में रखते हैं। ये देखिए आप, 150 ग्राम हमने ये गुड़ ले लिया है। 150 ग्राम लिया है हमने ये चीनी, इसको भी ऐड कर देते हैं इसमें। उसमें हमें ऐड करना है 1 कप पानी, ऐड कर देते हैं। गुड़ और चीनी को मेल्ट होने देते हैं। ये देखिए आप, गुड़ और चीनी हमारी अच्छे से मेल्ट हो गई है। इसे हमें फुल फ्लेम पर पकाना है। ये देखिए आप, गुड़ पहले से काफी थिक हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच देसी घी। अब ये देखिए, घी डालकर हमने इसे मिला दिया है अच्छे से। गुड़ को चेक कर लेते हैं। ये हमने एक बाउल में वाटर ले लिया है, इसमें हम थोड़ा सा गुड़ डालकर चेक करेंगे। ये देखिए आप, गुड़ हमारा इस तरीके से टूटना चाहिए। चाशनी हमारी तैयार है। इसको हम घी लगी हुई ट्रे में निकाल लेंगे। इसको हम ऐसे इकट्ठा कर लेंगे इस तरीके से। अब इसे हमें हाथों से इस तरीके से करना है। ये देखिए आप, ये ठंडा हो गया है। हाथों से हमें इस तरीके से इसे खींचना है। ये देखिए आप, कुछ इस तरीके से हमें इसे खींचना है गुड़ को। इस पे लाइट गोल्डन कलर आना चाहिए। ये देखिए आप, इसको हमें इस तरीके से रस्सी जैसा खींचना है। कुछ इस तरीके से हमें इसे तोड़ लेना है, रस्सी जैसा इस तरीके से। ये देखिए, कुछ इस तरीके से हमें इसकी स्टिक तैयार कर लेनी है। ये देखिए आप, कुछ इस तरीके की हमने सारी स्टिक तैयार कर ली हैं। इसको हम ठंडा होने देते हैं। ये देखिए आप, ये हमारी ठंडी हो गई है स्टिक। इसे हमें छोटे छोटे पीसेस में कट करना है इस तरीके से। कुछ कर लेते हैं सभी को। देखिए, सारे पीसेस को हमने इस तरीके से अलग कर लिया है। अब ये देखिए आप, तिल को हमें हल्का सा लो फ्लेम पर गरम करना है। ऐड कर देते हैं। ये देखिए आप, तिल हल्का सा हमारा गरम हो गया है और साथ में गुड़ भी गरम हो गया है। गैस को ऑफ कर देते हैं। ये देखिए आप, इसको हमने एक ट्रे में निकाल लिया है। अब हमें कुछ इस तरीके का एक बर्तन लेना है, गिलास या कटोरी आप कुछ भी ले सकते हैं। इस तरीके से हम इसे रेवड़ी का शेप दे देंगे। तो ये देखिए आप, गुड़ रेवड़ी एकदम हमारी तैयार है। तो ये देखिए आप, तिल और गुड़ की रेवड़ी बनकर तैयार है। ये देखिए आप, बहुत ही बढ़िया रेवड़ी बनकर तैयार है। ये देखिए आप, अगर आपको हमारी तिल गुड़ रेवड़ी रेसिपी पसंद आए, रेसिपी को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज रेसिपी को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।